ना है नहीं, आज भी तेल नहीं है। हैं, चल आ जा फिर यार, आज तेल ही नहीं मिल रहा, तेल ही खत्म हो गया पेट्रोल पंपों में। पेट्रोल है नहीं, सर्विस करानी है अंकल जी, सर्विस करानी है। ओहो मोर, हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारी इस न्यू वीडियो में। तो आज मैं और रजनीश जा रहे हैं अपनी अपनी बाइक की सर्विस करवाने। ये जा रहा अपने हीरो वालों के पास, मैं जा रहा हूँ अपने बजाज वालों के पास। तो हमने जाके बाइक सर्विस करवानी है, आज का मेन काम तो यही है, बाकी और भी देखते हैं, जो भी काम होगा उसको कंप्लीट करेंगे। तो पहले अपन निकलते हैं अपनी कॉलोनी से, ठीक है। तो आज मैंने शूज़ नहीं पहने यार, जल्दी जल्दी में। बाबू को देख सकते हो, बाइक पंचर होगी बाबू की। बाबू बाइक लेके जा रहा, पंचर होगी बाइक उसकी। तेल है नहीं शायद, अच्छा तेल नहीं है, रुक जा देख के आता हूँ उसको। पेट्रोल है नहीं, ये समस्या है। चल कोई नहीं, देखता हूँ आते टाइम मैं ले आऊँगा। हाँ बोतल देख लूँगा रास्ते में, रास्ते वहाँ जाना पड़ेगा तेरे को किसी। हाँ तो भाई बाबू का ना तेल ख़त्म हो गया है बाइक का, बेचारा अब पैदल ही लेके जा रहा है। हमारी भी बाइक का तेल ख़त्म होने वाला है, क्या करें यार, तेल इतना महंगा हो गया ना, डलवाने का मन ही नहीं करता। हमने प्लांट से तेल डलवाना था, यहाँ से अब हमको 3-4-5 किलोमीटर दूर तेल मिलेगा। अब पता नहीं 5 किलोमीटर तक जाएगा नहीं जाएगा, इसकी बाइक तो चली जाएगी, पीछे से धक्का लगवाऊंगा इससे, और क्या, जहाँ ख़त्म होगी और क्या। तो अभी मेरा मन कर रहा है ना, सामने इतनी धूल है ना, अपना चश्मा यार गंजे को दे दूँ, ठीक है। ले पकड़ ले, मैंने तो हेलमेट पहना हुआ है क्योंकि यार धूल इतनी है ना, आंखों में लग जाएगी, आंखों में चलेगी धूल, फिर ये बोलेगा मेरी आंखें दर्द हो रही है, और अब और बहाने वो लगाता है, कॉलेज नहीं जाता ना इसी बहानों की वजह से, तभी करके फुद्दू लग रहा है, फुद्दू लग रहा है, फुद्दू। पता नहीं कहाँ से छपरी कटिंग करा ली है, छपरी बाज नल्ला बेरोजगार। तो भाई बाइक सर्विस के लिए हमको अलग अलग जगह जाना पड़ेगा, ये तो जाएगा खैराबाद, मेरे को जाना पड़ेगा इधर पट्ठा साहब, वहाँ से थोड़ी दूर है बट अलग अलग है। तो इसलिए जल्दी जल्दी चलते हैं, टाइम लग गया, अगर मेरे को जल्दी हो गया तो मैं इसके पास पहुँच जाऊँगा, इसका हो गया जल्दी तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो हमने तेल डलवाना है यहाँ रिलायंस से, ये जो आ चुका है रिलायंस पेट्रोल पंप यहाँ से, तो इंडिकेटर दे देते हैं पहले ही मुड़ने का। उफ़ तेरी याद, तेल तो है नहीं शायद लग रहा है। ना 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 है नहीं, आज भी तेल नहीं है, है नहीं है, चल आ जा फिर यार, आज तेल ही नहीं मिल रहा, तेल ही ख़त्म हो गया पेट्रोल पंपों में, कि तेल इतना है नहीं ना कि पहुंच सके, अगर उधर तेल ख़त्म हो गया मतलब तो हमारे यहाँ तेल ही नहीं है समझो, ख़त्म ही है तेल, बाकी तो दूर पेट्रोल पंप ही नहीं है यहाँ दूर दूर तक, वो पीछे थे बाकी पेट्रोल पंप, उनमें तो वैसे ज़्यादातर होते नहीं हैं, इसने लगा लिया रिजर्व पे। आ जा ट्रक आ रहा पीछे धुआं उड़ाते हुए,
तो मैंने तो जाना है सीधा, इसको भी लेके जाता हूँ उधर से ही, वहाँ से तेल भी भरवा लेंगे हम पेट्रोल अपनी बाइक में, और उधर से ये मुड़ जाएगा और हम सीधा निकल जाएंगे। तो अपा ने तो तेल भरवाना है, तो पहले अपा इधर से मुड़िए तेल भरवाने के लिए। हाँ लो भाई, लो भाई हमारा पेट्रोल तो हो गया, 100 डलवाया क्योंकि अभी सर्विस ही करवानी है, सर्विस के बाद इसका पेट फुल करवाएंगे। चलो ठीक है भाई, तो रजनीश जा रहा है अपनी बाइक की सर्विस कराने इधर से, और मैं जा रहा हूँ सीधा ही, ठीक है, तो सर्विस के बाद मिलते हैं इससे। ये रहा भाई बजाज का सर्विस सेंटर। सर्विस करानी है अंकल जी, सर्विस करानी है। बाइक की सर्विस हो चुकी है यहाँ पे हमारे 110 की, इसकी न्यू, इसका टायर चेंज हुआ है, भगाएंगे आज मस्त इसको। ओए हाय हाय, अरे मस्त टाइम भी सेट हो चुका है, 1 बज चुके हैं, हैं मस्त भाग रही है, 1 भी बज गए, ठीक है, सब कुछ टाइट हो चुका है इसका एकदम मस्त। आए हाय हाय, स्वाद आ रहा है अभी चलाने में, तो मस्त लग रहा है अभी चलाने में इसको। चलो जी, दूसरा गियर और 60, आए हाय हाय हाय, आ जा, मस्त चल रही है यार एकदम मक्खन की तरह, मजा आ गया। कुछ खाने का मन कर रहा है वैसे, भूख लगी हुई इतनी जोर से ना हमको, तो अभी बाजार के बीच से जाते हैं या तो नीचे से रोपड़ के देखते हैं कुछ खा लेंगे, भूख लगी है। तो यहाँ पे कुलचे खिलाने लेके आए रजनीश, तो कुलचे खाते हैं जल्दी जल्दी हम। ने कुलचा खा लिया अपना, ठीक है, भूख बहुत लग रही थी यार, अब भूख थोड़ी शांत हुई है। तो अब बाइक में तेल भरवाना रह गया, अब बस एक काम और करना है हमने, इसमें ऑयल डलवाना है अपना पेट्रोल बढ़िया वाला। गर्मी बहुत लग रही है आज, धूप बहुत तेज है ना, इसलिए क्या करें, एक तो मैंने हेलमेट पहना, ऊपर से ग्लव्स पहने हैं, तो और गर्मी लग रही मेरे को, यही प्रॉब्लम होती है भाई ज़्यादातर मेरे को लग रहा है मोटो ब्लॉगर्स के लिए, कि इतनी गर्मी होती तब भी। मैंने चलो नॉर्मल लोअर शूज़ पहने हैं, जो पूरी ड्रेस पहनते हैं उनका क्या हाल होता होगा, पूरे शूज़ पहनो, फिर उसके बाद ग्लव्स पहनो, फिर हेलमेट पहनो, जैकेट पहनो, ठीक है, पूरा पसीनों पसीने हो जाते होंगे वो लोग। तो गर्मी में ज़्यादा बुरा हाल होता है, ठंडियों में तो चलो ठीक है कि हाँ ठंडियों में ठंडी लगती, कवर हो रखा होता है, हवा नहीं लगती, और गर्मी में तो इतना बुरा हाल हो रखा होता ना, इतना पसीना आता है, आए हाय हाय। कम कर डलवाऊंगा, ज़्यादा नहीं।
450 का डलवा लेते हैं। क्या बोला तूने? कम का ही डलवाऊंगा, ज्यादा नहीं, 450 का डलवा लेते हैं। 450 कर दो। तो भाई इसका ना फिल्टर भी एकदम साफ हो चुका है अभी यार, एकदम क्लियर आवाज आ रही थी जब मैं इसकी रेस दे रहा था ना, तो एक नंबर। अभी देखना इसकी रेस देखना, ठीक है? एकदम आवाज क्लियर हो चुकी है इसकी, एयर फिल्टर भी साफ हो गया है। हाँ, पहले आवाज गें गें आ रही थी, अब गूं गूं आ रही है। अब धूल उड़ने लगी, अब मेरे को कैमरा बंद करना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं घर, मिलते हैं हम किसी और वीडियो में किसी और दिन। वीडियो अच्छी लगी, ओहो मोर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम बस अपने घर पहुंचने वाले हैं, तो मिलते हैं हम किसी और वीडियो में किसी और दिन।